इस वक्त मेरी जो है सारी बेलें बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, और ये देखें कहाँ तक पहुँच गई। और एक मैंने बांस भी लगा दिया, लकड़ी का पीस था सॉरी, और ये पूरी वहाँ तक पहुँचेगी। फ्लेम माइन है ये मेरी। और ये है मेरी बटरफ्लाई भी, ये देखें इसमें फ्लावर भी आया हुआ है, इसमें भी रेड कलर के फ्लावर आते हैं, मैं आपको पिक्चर मेंशन कर दूंगा। इस एक ये बेल है मेरे पास दो, और एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये रही आईपोमिया बेल। सुबहान अल्लाह क्या रंग बनाया अल्लाह ताला ने इसके, बहुत खूबसूरत बेल है ये मेरे पास, सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही बेल है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, चमेली की बेल है वो, ये रही ये देखें, इसमें रोज़ाना फ्लावरिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और सर्दियों वो गर्मियों में इसमें आ जाती है मोतिया में, और सर्दियों में ये वाले जैस्मीन में। और इसका फूल देखें कितना ज़्यादा अच्छा है, फोकस करके दिखा रहा हूँ ये देखें। एक ये हमारी ये वाली शकरकंदी की बेल है, ये वाली, ये भी बहुत घनी हो गई है, इसको भी मैंने एक रस्सी से टाई कर दिया, और यहाँ पे जो है पूरा मैं फैला दूँ मैं इन बेलों को। ये हमारी तुरई की बेल है, जिसको मैंने अभी यहाँ पे वैसे लटकाना ही हूँ करके, लेकिन अभी मैंने लीमू के पौधे पे डाली, और ये देखें एक तुरई भी बड़ी हो गई है। और ये रही हमारी बोगनवेलिया भाई, इसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी से हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये ज़रा मैंने आपको वाइंस की अपडेट देनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और ये वैसे हैंगिंग बास्केट में, लेकिन ये भी एक वाइन है। और पर्दा बेल भी मैं लेऊंगा अभी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं लाया नहीं हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ मुझे लेनी है वो भी। और कौन सी वाइन, एंड या मैं वेंडरिंग च्यू भी ले आया हूँ भाई, फाइनली पूरा एक साल इंतज़ार करने के बाद वेंडरिंग च्यू भी ले आया हूँ। और भाई मुझे बताना मैं गार्डनिंग ओवरव्यू लाऊं नहीं लाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं पौधे मेरे। तो भाई बताना आप लोग भी कि मैं लाऊं नहीं लाऊं, ज़रूर बताना। आपको मैं दोबारा मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।